मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। अभी हम बढ़हरा प्रखंड अंतर्गत बभनगावा पंचायत के चातर गांव में सामुदायिक भवन पर हैं। यहाँ कोविड-19 का जो वैक्सीन दिया जा रहा है हम लोगों को, तो आइए हम पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, या वैक्सीन लेने के बाद कोविड-19 होने का खतरा कितना परसेंट कम हो जाएगा? इससे काफ़ी कम हो जाता है खतरा कोविड-19 का वैक्सीनेशन लेने के बाद। और हम लोग हर पंचायत में एक प्रोग्राम के तहत उसको लगा रहे हैं और वैक्सीनेशन सबको करवा रहे हैं और सारे लोग आ रहे हैं। अभी तक करीब 40 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी तक लगभग कितने लोगों का हुआ है? अभी तक 40 लोगों का हो चुका है। ये कोरोना का जो बढ़ रहा है, अभी भी सुन रहे हैं कि कोरोना का स्पीड जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी अभी शाम के 3 बजने वाले हैं मात्र, आप जो इतने 37-38-40 आदमी जो बता रहे हैं, तो कोरोना के वैक्सीन को लेकर इतनी उदासीनता जो देखी जा रही है इसके पीछे क्या रीज़न? इसको तो एज ए डॉक्टर हम नहीं कह सकते हैं कि क्या कारण है, बट अभी इसी पंचायत में ही परसों भी दिया गया था वैक्सीनेशन। परसों भी 110 लोगों का हुआ था संडे को, और फिर आज हुआ है। अभी आएंगे लोग, हो सकता है कि धूप है इस वजह से कुछ कम लोग आए होंगे, और इसके बाद फिर आएंगे लोग। अभी फिर हो शाम तक हम करेंगे। ये कै बजे तक करेंगे? शाम तक करेंगे, शाम तक चलेगा। इसका कोई टाइम भी है कि सुबह कै बजे से शुरू करके कै बजे तक? सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग करते हैं। तो कुछ परिचय दे दे। डॉक्टर विवेक जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कोरोना का जो वैक्सीन दिया जा रहा है, अभी शाम के 3 बजने वाले हैं, मात्र 40 लोगों को अभी तक वैक्सीन पड़ा हुआ है, और जबकि कोरोना इतने स्पीड से बढ़ रहा है, क्या कारण है? जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी जो धूप है इसके वजह से, मगर आज हम देख रहे हैं कि आज एक मेला पर्व जो सतुआन बोलता है उसके वजह से भी कुछ लोग कम इधर आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि मैंने कोविड-19 का वैक्सीन लेने के बाद खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है, तो इसलिए सब लोगों को कोरोना का वैक्सीन जो दिया जा रहा है इसको लेना चाहिए। हम अनिल भैया से जानेंगे कि यह पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज कितने दिनों के बाद लिया? जैसा कि पहला गाइडलाइन था कि पहले डोज के 28 दिन से लेके, मतलब कि 2 वीक का अंतराल दिया गया था, 15 दिन के अंदर, 28 दिन पूरा होने से 15 दिन के अंदर उनको ले लेना है। लेकिन इधर गाइडलाइन थोड़ा सा केंद्र सरकार के द्वारा ही चेंज हुआ है, अब वो टीका 6 से 8 सप्ताह के बीच में लेना है। कोविशील्ड वैक्सीन। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जब शुरू बार आया था या 50 या 60 साल के बाद के लोगों को देना था, लेकिन अभी 45 साल के बाद के लोगों को देना है, तो सरकार के गाइडलाइन जो, चाहे WHO का जो निर्देश है, इसके पीछे क्या रीज़न है? मैंने कोरोना तो किसी को, छोटे बच्चे को भी हो सकता है, लेकिन 45 साल के बाद वाले को भी वैक्सीन दिया जाएगा, इसके पीछे क्या रीज़न? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी कम है, वैक्सीन बन रहा है और उसको फील्ड में प्रयोग में लाया जा रहा है। दूसरा क्या चीज़ होता है कि एज बढ़ने के साथ मनुष्य की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होते जाती है, तो जो सबसे हमारा वीक कड़ी है वो बुजुर्ग लोग हैं, इसीलिए इसको ऊपर से ही स्टार्ट किया गया। सबसे पहली बार में 60+ और 45 से 59 साल के बीमार व्यक्तियों को दिया गया, और फिर उसके बाद 45 वर्ष के सभी लोगों को दिया जाने लगा। अब अगले चरण में एज और नीचे किया जाएगा, तो वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए ये सरकार अपना कार्य कर रही है। तो ऐसा किया जा सकता है कि आने वाले समय में मैंने नीचे वाले को भी दिया जाएगा? एकदम निश्चित मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, वैक्सीन सभी को मिलेगा, बस थोड़ा सा और समय लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक ही बार सारे एज ग्रुप को दवा दी जाए तो भीड़ को कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको पार्ट पार्ट में करके सरकार व्यवस्थित ढंग से इस कार्य को कर रही है। परिचय दे दो। मैं अनिल कुमार सिंह,
बीएमसी यूनिसेफ बड़ेहरा। अब हम आइए लाइव दिखाएंगे कि जो वैक्सीन यहाँ पड़ रहा है उसके बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। अभी तक 3 बजने वाला है, लगभग 40 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। पूरी प्रक्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद बहुत हद तक कोरोना होने का चांस जो है कम हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है वैक्सीन को लें। जो सरकार का गाइडलाइन है इधर दिखाइए, वैक्सीन लगाया जा रहा है इस तरह से। जो हम यही चाहेंगे कि सभी लोगों को वैक्सीन दिया जाए। एक चीज हम जानना चाहेंगे, जो वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, मैं आपसे दो शब्द जानना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ रहा है, चाहे लोगों का तबीयत बिगड़ रहा है, इसके क्या रीजन है? सर बुखार तो आ रहा है, किसी किन्हीं को, सबको नहीं आ रहा है। परसेंटेज कितने लोगों को आ रहा है? अब 20 में एक के आ रहा है। 26-27 बने लोगों में एक लोगों को आ रहा है। तो उससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अपना परिचय दे दें। प्रियंका कुमारी, GNM, BSC बरेली। तो हम अभी बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कि जो किसी को बुखार आ रहा है, जैसा कि प्रियंका जी के द्वारा बताया गया कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना का जो भी वैक्सीन यह लग रहा है सबको लेना चाहिए। सीने आजकल CM इंडिया TV से, मैं सोनी कुमार, ब्यूरो चीफ, भोजपुर। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि कोरोना वैक्सीन जो दिया जा रहा है तो 45 साल से ऊपर वाले एज जो है उस ग्रुप को दिया जा रहा है, नीचे वाले ग्रुप को अभी नहीं दिया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से यहाँ जो सामुदायिक भवन पर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, तो इसमें क्या कुछ परेशानी भी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है, या कि विधिवत कार्य जो है चल रहा है, और नीचे वाले को कब दिया जाएगा इसके बारे में? यहाँ जैसे कि भारत युवाओं का देश है और हमारे प्रधानमंत्री ने इस सारी सिस्टम को देखते हुए सबसे पहले 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने का अनुमति दिया, और उसके बाद अभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी क्षमता जो घटती जाती है, और युवाओं के पास इतनी इम्यूनिटी क्षमता होती है कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो ये कोरोना का है उससे अभी लड़ सकते हैं, और युवाओं का इम्यूनिटी क्षमता मेन तौर पे अच्छा होती है। तो इसलिए अभी युवाओं को छोड़ के 45 वर्ष से ज़्यादा के लोग को दिया जा रहा है, और हर जगह ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी ये वैक्सीन हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे थे 11 तारीख से 14 तारीख तक। आज भीमराव अम्बेडकर के जयंती पे हम सभी यहाँ चातर गांव में ये जो चौरी पर सामुदायिक भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। चातर गांव के लगभग 50 लोग से ज़्यादा लोग ये वैक्सीन ले चुके, और दूसरा दिन ये वैक्सीन का कार्यक्रम हो रहा है। एक दिन और इस गांव में 100 से ऊपर लोग वैक्सीन लिए, और इससे बहुत बड़ी जागरूकता है, और युवाएँ भी बहुत उत्सुक है, वो भी अपनी समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी टीका पड़े। और भारत में ये ट्रायल लगातार वैक्सीन की हो रही है, और वैक्सीन की कमी होने के कारण ये उम्र के हिसाब से दिया जा रहा है। बहुत जल्द युवाओं के बीच ही ये वैक्सीन होगी और युवाएं भी इसका लाभ लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज समाज के हर वर्ग, युवा बुजुर्ग, सब लोग एक साथ आ करके युवा अपने गार्जियन को लेके आ रहे हैं और वैक्सीन दिला के जा रहे हैं। और समाज में हम लोग ये आज भी हम समाज के लोगों से एक आग्रह भी करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना टीका तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हम सब मास्क का उपयोग करें, देहात में सभी भाई गमछी का उपयोग करें, और डिस्टेंस की हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन ही करके इससे बच सकते हैं। आज ये बहुत भयावह स्थिति में कोरोना भारत के सभी स्टेट में बढ़ रहा है, बिहार भी इससे छूता नहीं है, बिहार में इसकी तीव्रता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम सबको अगर इस कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करके ही बच सकते हैं। और हम यहाँ हम रुकेंगे कि इससे पहले जो पिछले दिन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला, जो शिविर लगाया गया था, उसमें 100 लोगों से ज़्यादा
वैक्सीन लिए थे, लेकिन आज अभी 3 बज रहा है, मात्र 40 लोगों को वैक्सीन लगा है, लोग कम आए। आप इसी गांव के हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक तरह से हम लोग एक जो चातर गांव की युवा है, सभी लोग आग्रह पूर्वक सभी लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया और सबसे विनती किया कि आप लोग आके वैक्सीन लीजिए। आज हम लोग ये मेला जो पर्व होता है हिंदू धर्म का, वो आज है गंगा स्नान है, बहुत लोग गंगा स्नान, और ये कटनी का जो सीजन चल रहा है अभी खेती बाड़ी का, इसमें बहुत लोग बिजी हैं। हम उन सबसे आग्रह करेंगे कि खेती बाड़ी अपनी सारे काम छोड़ करके, पूजा पाठ यहाँ तक सबको छोड़ के सबसे पहले वैक्सीन ले, पहले जिंदगी सुरक्षित रहेगी तभी हम दुनिया में कोई भी काम कर पाएंगे, जिनको पार्जन कर पाएंगे। हमें वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और अभी समय है, यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य कर्मी अभी 1-2 घंटा कम से कम रुकेंगे। जो लोग हैं आए भारी मात्रा में वैक्सीन ले, वैक्सीन पर्याप्त उपलब्ध है यहाँ पे, जितने लोग आएंगे कोई खाली नहीं जाएगा, सबको वैक्सीन पड़ेगा। आज कम लोगों के आने के पीछे हमारे सोच के अनुसार यहाँ अभी मुख्य रूप से आज मेला का पर्व और ये कटनी पिटनी का पर्व है, इसके कारण कुछ लोग कम है, लेकिन हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि टीकाकरण मेरे गांव में पड़े या बड़ारा प्रखंड में या देश के किसी हिस्सा में, हम जहां रहे वहीं वैक्सीन ले, हमारे उम्र के अनुसार वैक्सीन पड़ रहा है तो, और हम वैक्सीन सोशल डिस्टेंस और मास्क से ही इस कोरोना जैसी महामारी को रोक सकते हैं, और इससे हम सब भारत की एकता और अखंडता को एक करते हुए समाज की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। जय अंबेडकर, जय भारत, जय बिहार। परिचय दे, शशि शेखर सिंह, जिला प्रभारी युवा मोर्चा बक्सर। अभी जिला प्रभारी बक्सर शशि जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से यह संदेश दिया कि कोरोना का वैक्सीन लेना जरूरी है। सभी हमारे माता बहन बुजुर्ग जो भी हैं, जो 45 साल से पार कर चुके हैं, तो उन लोगों को आकर के वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और सीने आजकल सीम इंडिया टीवी से मैं अश्विनी कुमार, ब्यूरो चीफ, भोजपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सीने आजकल न्यूज़। नमस्कार।